अगर धूप चेहरे पर पड़े तो इससे स्किन का कुदरती रंग खराब होने लगता है। गर्मी के मौसम में जिल्द की हिफाजत को मद्देनजर रखते हुए कुछ स्पेशल एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना बहुत जरूरी है। इसीलिए आज आपको बता रही हूँ मौसम गर्मा में स्किन को फ्रेश और गोरा रखने का बेहतरीन तरीका। आप खुद भी इस पर अमल करें और दूसरों के साथ भी जरूर शेयर करें। इससे पहले कि मैं आपको आज के टोटके के इंग्रेडिएंट्स के बारे में बताऊं, आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, नीचे लगे रेड सब्सक्राइब बटन को दबा दें और इसके साथ लगे बेल आइकन को आपने जरूर प्रेस करना है ताकि आपको मेरी डेली न्यू वीडियोस सबसे पहले मिल सके। अब मैं आपको उन इंग्रेडिएंट्स के बारे में बताऊंगी जो आज के हमारे टोटके में यूज होंगे। इसमें शामिल है खीरा 1 खाने का चम्मच, पपीता 1 खाने का चम्मच, लेमन जूस 1 कतरे, तरबूज का जूस 1 खाने का चम्मच और पिसे हुए बादाम 1 चाय का चम्मच। इस टोटके को बनाने का तरीका ये है कि खीरे और पपीते को मैश कर लें और फिर इन तमाम अज्जा को एक प्याली में मिक्स करें। ये एक फाइन पेस्ट बन जाएगा। अब इस पेस्ट को आप अपने चेहरे पर लगा लें। 15 मिनट बाद अपना चेहरा सादा पानी से धो लें। याद रखें कि अपना चेहरा धोने के बाद आपने कोई भी ब्यूटी सोप या फेस वॉश यूज नहीं करना है। खीरे में विटामिन सी बहुत ज्यादा पाया जाता है। ये इंग्रेडिएंट स्किन की तमाम बीमारियों का हल है और स्किन को सॉफ्ट बनाता है। इसके अंदर पानी की एक बड़ी मिकदार पाई जाती है जो स्किन को स्मूथ और सॉफ्ट बनाती है। खीरा स्किन टोनर, रिफ्रेशनर और वाइटनर के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। पपीते के अंदर एक ब्यूटी इंग्रेडिएंट पापेन पाया जाता है जिसमें स्किन लाइटनिंग प्रॉपर्टीज मौजूद होती है। ये चेहरे से दानों के निशान और दाग धब्बे खत्म करता है। इसके अलावा लेमन के रस, छिलके और बीज हर चीज में गिजायत मौजूद है। ये न सिर्फ खून साफ करता है बल्कि हमारी जिल्द की रंगत निखारने में भी मदद करता है। बादाम एक खुश्क बीज वाला फल है जो कि हमारे जिस्म से गर्मी और खुश्की को खत्म करता है। ये जबरदस्त किस्म का एंटीऑक्सीडेंट भी है जो कि स्किन को तरोताजा, नम और खूबसूरत बनाने में बहुत फायदेमंद है। इस नुस्खे को आप एक हफ्ते तक रोजाना लगाएं, इसके बाद 2 दिन छोड़कर लगाएं। सख्त गर्मी के मौसम में ये अमेजिंग पेस्ट न सिर्फ आपकी स्किन को बहुत ठंडक देगा साथ ही चेहरे को एक फ्रेश निखार देता है। इतनी मेहनत से वीडियो बनाई है, एक लाइक तो बनता है ना, और दूसरा ये कि आप हमें इतनी बड़ी दुनिया में दोबारा कैसे ढूंढेंगे। तो इसका हल ये है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए। इस तरह हमारे आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुँचती